సౌభాగ్య మాదా లక్ష్మీ రామమ్మ ఫ్రైడ్ రైస్ సౌభాగ్య మాదా లక్ష్మీ రామమ్మ तुम कुछ नहीं खाओगी? अच्छा नहीं, आज वरलक्ष्मी की पूजा है, मैंने उपवास रखा है। ठीक है। चंदा मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नायडू भैया, ये लो टेस्ट करो, कैसा लगा? ये तो अमृत है। मैडम ये कौन सा नया आइटम है? गिलमा भात। एज कितनी होगी? यही कोई 38 से 40 साल होगी। वो दोनों तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। पता है मुझे, क्या खूबसूरत कमर है, पता नहीं किसकी किस्मत में है, उसको मानना ही पड़ेगा। अभी देखती हूँ इसे। क्या किया मैंने? क्यों को क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया? क्यों मार रही है इसे? चंदा मैडम, चंदा मैडम, रुक जाइए, छोड़ दीजिए, जा रहा है, छोड़ दीजिए। कमर देखता है? तेरी माँ की कमर मेरी कमर से भी अच्छी है, देखी नहीं क्या? एक मर्द पे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? मेरा भी एक बेटा है, लॉलीपॉप खाने की उम्र नहीं है उसकी, लात मारने की उम्र है। अगर उसे पता चला कि मेरे साथ बदतमीजी की है तुमने, सारे नट बोल्ट्स लूज कर देगा। तेरा बेटा बहुत बड़ा दादा है क्या? तुम है तो आने के लिए बोल उसको। फाइनल में सेलेक्ट हो गया है कल से ही। अरे बाप रे, प्रैक्टिस शुरू। कल हम लोग और पढ़ाई कर लेंगे। चलो मैं निकलती हूँ, अब तुम लोग भी जाओ। कोई बात नहीं मैडम, आपके जाने के बाद हम चले जाएंगे। क्यों, तुम सब लोग मेरे बेटे के लिए रुकी हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, अगर आपका बेटा नहीं आया तो हम ड्रॉप कर देंगे। हाँ मैडम, हम ड्रॉप कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा सही टाइम पर आ जाएगा। चलो अब जाओ, गो गो गो। हाय मनु। हाय मनु। हेलो। हाय मनु। हाय मनु, तुम्हारी गॉगल्स तो सुपर्ब है। ये थोड़ा ओवर हो गया। मनु तूने उसे नाराज क्यों किया? वो तुझे कितना पसंद करती है पता है ना? कौन, वो मोटी? क्या बिल्कुल सांड की बच्ची लगती है। उसके बगल में थी वो। अरे उसको एक बार देखना बड़ी बात है, दूसरी बार कौन देखेगा? बेचारी वो तुझे ही देख रही थी। तुम भी ओवर कर रही हो। उसको मार कर आया है क्या? मारा नहीं, सिर्फ टच किया। वो हॉस्पिटल में है। मर जाने दो ना, ऐसे लोग जीकर भी क्या कर लेंगे। ये लोग कंटिन्यू करो। तेरे डैडी भी ऐसे ही पिया करते थे। खाते समय उनका नाम मत लेना, कितनी बार कहा है तुमसे? मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो तेरे पापा है बेटा। नहीं, वो मेरे लिए डैडी भी नहीं और तुम्हारे लिए पति भी नहीं। बेबी बच्चों का रिश्ता उनको नहीं चाहिए तो उनसे रिश्ता क्यों रखे? वो हमें इसलिए छोड़कर नहीं गए कि वो हमें नहीं चाहते, उनका कोई और लक्ष्य था, हमसे उन्हें कोई परेशानी ना हो इसीलिए समझौता करके हमसे दूर हो गए। समझौता मतलब शेक हैंड करके अलग हो गए क्या? उनको नहीं, दिन भर तुम उनको याद करती हो इसलिए तुम्हें मारना चाहिए। दोबारा उनका नाम लिया तो मनु मैंने खाया नहीं इसलिए तुम्हें त्याग करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप खाना खाओ। तुम्हारे पति पर गुस्सा आता है, तुम पे नहीं, जाकर खाना खाओ।
ठीक है परसों? नहीं परोसूंगी। क्या रिवर्स खेल खेल रही हो? अभी बहुत भूख लग रही है, आकर परसों मम्मी। मैं परोसूंगी भी नहीं और खाऊंगी भी नहीं। ए मीना, गुस्से वाली लक्ष्मी, ए मीना। दिन ब दिन तेरा नाटक बढ़ता जा रहा है, बहुत ओवर हुआ। मेरी सोना है ना। चल आ जा, गुस्सा खाने पर नहीं, चल पहले खाना खा ले। मम्मी रो मत, खाना खा ले, खाना खाना। तुमसे ज्यादा मुझे भूख लगी है, तुम दूसरी प्लेट में जाकर खा लो। अब फ्रिज में दही रखा है, उसे भी ले लेना। नाराज हो गई क्या? बाबूजी जरा धीरे चलो। मनु बिजली खड़ी, मनु यहाँ बिजली खड़ी। तुम्हारे ये सारे नाटक मेरी समझ में आते हैं, चुप नहीं रह सकती क्या? मैडम जी, कल रात को मेरा पति मुझे फिल्म दिखाने ले गया था, उसी फिल्म में ये गाना था। आहा बाबूजी जरा। पैसे देकर खरीदा इसे, फट जाएगा। चलो नीचे रखो, अब पोछा लगाओ। मनु बुलाया क्या माँ? पड़ोस के जो पुनीत कुमार है ना, वो तिरुपति गए हुए हैं। वो तिरुपति गए तो मैं क्या करूं? मैं जो कह रही हूँ वो पूरी बात तो सुनो। रात में उनका फोन आया था, आज उनके बड़े भाई की बेटी बाहर से आ रही है, तुम रेलवे स्टेशन जाओ और उसे ठीक से लेकर आओ। और हाँ, वो कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी लड़की है, उन्हें डर है कि वो कहीं अपनी बुआ के घर न चली जाए जो पास ही में रहती है। वो अपने पापा मम्मी से झगड़ा करके यहाँ आ रही है। बहुत ही क्लियरली समझा दिया तुमने, ये बात जो भी सुनेगा अपना सर जाकर ग्राइंडर में डाल देगा। फिर एक बार बोल। वही बेटा, वो अपने पड़ोस के पुनीत कुमार है ना, जो तिरुपति गए हुए हैं, रात को फोन आया था उनके बड़े भाई के। स्टॉप कर तेरा रेडियो, पड़ोस के घर में आसाम से लड़की आ रही है। हाँ। उसको इनके ऊपर गुस्सा है। हाँ। ये डरते हैं वो लड़की फूफा के यहाँ चली जाएगी। हुँ? तो उसे यहाँ लाकर उठाकर फेंकना है। अरे तू कितनी अच्छी तरह से समझ गया। आखिर बेटा किसका हूँ, उसका नाम क्या है? ओह मैं ये तो पूछना ही भूल गई। हाँ, उसने पीले कलर का चूड़ीदार पहना होगा। चल इतना काफी है। ट्रेन नंबर 1207 शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुकी है, कृपया यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। इस ट्रेन से आए हुए सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। सभी यात्रियों से निवेदन है कि चोरों और जेब कतरों से सावधान रहे। आसाम। हाँ। कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम, क्या रट लगा रखी है? समझ नहीं आ रहा, पागल कहीं की। ए, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ऐसे मत खींचो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम, बताओ बताओ बताओ। ये ले। हाँ? ठीक है ना, अपना मुंह बंद रख। ये तुम जबरदस्ती कर रहे हो, कौन हो तुम? हाँ? चिल्ला क्यों रही हो तुम? शट अप। देखने वाले क्या सोचेंगे, मैं तेरा रेप करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। चल बैठ, ठीक से पकड़ के बैठ। आना बोर्ड पड़ रही है क्या, कान के नीचे दूंगा। इधर चल। अरे बाबा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? और मेरा चप्पल? क्या चप्पल, वो तो तूने बाहर छोड़ी है ना। वो तुम क्या हुआ, क्या किया मैंने तेरी उंगलियों को? मैं कह रही थी कि तुम। ए देख, बात करनी है तो ढंग से कर, फोकट में भेजा मत गरम कर। ब्रश किया क्या? हा? ब्रश किया क्या? बात मत घिसो, लिपस्टिक लगा लो, नहाओ मत, परफ्यूम लगा लो। ये क्या है? यही है, चुपचाप खा ले। लात? क्या लात मारूं क्या? हा? ऐसे मारूंगा कि तेरे पूरा शेप बिगड़ जाएगा। ये सारे नखरे मुझे मत दिखा, चुपचाप खा। इंक? इंक? अरे कोई इडली के साथ इंक लगा कर खाता है क्या? सांबर डाल के खाते हैं। अरे मेरा मतलब डालो। तू और तेरी भाषा। इंक? हाँ। एक्सक्यूज मी। यस। आप पुनीत कुमार को जानते हैं? हाँ है ना, आप कौन हो? मैं उनके बड़े भाई की बेटी हूँ, बाहर से आई हूँ। अरे पानी पी। हाँ आगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे रेलवे स्टेशन पर कोई ना कोई लेने आएगा,
मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही, वहाँ कोई नहीं आया तो मैं खुद चली आई। हाँ? ए, फिर तू कौन है? मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझाना चाहती थी, तुम ही नहीं समझ रहे थे। ये मैटरनी नहीं मॉर्निंग शो है, तू पुनीत कुमार के भाई की बेटी नहीं है? हाँ? फिर येलो चूड़ीदार क्यों पहन के आई है? अरे ये मेरा है। सॉरी मैडम, ये सब गई हवा में, बाइक पर मुझे पकड़ कर बैठी थी ना, तभी बताना चाहिए था ना। चार इडली उसके साथ बाल्टी भरकर सांबर इंका इंका बोलकर ठूसा है तूने, तभी तो बताना चाहिए था ना। सॉरी मैडम, मैं आपके लिए चार इडली लाया था, ये ठूस गई, बुरा मत मानिए। ए, क्या लोग दे रही है, चलो उठ यहाँ से। किधर है तेरा लगेज? ये क्या तरीका है, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए और अब झट से मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? एक कढ़ाई पर पॉपकॉर्न जैसे उछलता है वैसे उछल रही है तू। ऑटो, हाथ तो धो लेने दो। ऐसे ही चाटती हूँ, चली जा। सर इन्हें कहाँ छोड़ूं? तू जिधर बोर हो जाए उधर ही छोड़ दे। सर मीटर, मीटर मैटर ये सब देख लेगी, तू निकल। ठीक है। ए, हाथ निकल मुंह से। रेलवे स्टेशन पर उस पगली को ही बताना चाहिए था ना। बोलने दिया होता तब ना, बिचारी को डरा दिया होगा। तुमने ही तो उसे जिद्दी कहा था ना, इसलिए मैंने उसके सामने स्टाइल बदला, तो वो भीगी बिल्ली बन गई थी। दिल में थोड़ा सा दर्द है। क्या हुआ माँ? अगर मैं मर गई तो तू क्या करेगा बेटा? मार दूंगा मैं, अगर दोबारा ऐसा कहा तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। अगर ऐसी बात फिर तुमने की तो मैं खुद मर जाऊंगा। मन्नू, इस दुनिया में माँ तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, और मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है। I love you माँ। मन्नू, I love you। क्या बदतमीजी है। ए, तुम पागल हो गए क्या? ए, तुझे बुला रहा है। ए, जाकर पहले अपने दांत साफ कर। वर्कआउट हुआ क्या? हम आपके हैं कौन? तेरा बाप। आ? उसका रिलेटिव हूँ मैं। चुपचाप अपना मुंह बंद रख। अगर तूने तीन दिन तक किसी एक लड़की का चेहरा कंटिन्यू देखा और अगर उसको तेरा ये बकवास चेहरा पसंद आया तो चौथे दिन वो अपना दांत दिखाकर ही बोलेगी, तब तू उसका हाथ पकड़कर कहीं भी घूम सकता है, होटल, सिनेमा, पार्क, पानीपुरी, आइसक्रीम खाते हुए। तू घूम रहा है तेरी मम्मी को पता चलेगा, मान ले उनको ये पसंद आ गया तो तुम दोनों की शादी करवा के तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और अगर उनको पसंद नहीं आया तो मुंह में पान सुपारी डालकर थूक करके थूक देंगे। तो फिर मान ले तू उस लड़की को भगा कर ले जाएगा और कहीं शादी कर लेगा, तू सेट हो जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस खत्म होने में 6 महीने लग जाएंगे। इतनी सारी तकलीफ किसको चाहिए बता? राशन कार्ड, पासपोर्ट, इनकम टैक्स फाइल असेसमेंट और 2 ईयर्स का बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट, लेटेस्ट निकाला हुआ पासपोर्ट साइज का 2 फोटो और 20,000 रूपए ला कर तूने मुझे दिया, तो फिर उसके बाद मैं तुझे ग्रीन सिग्नल दिखा दूंगा। ये 20,000 तो ठीक है, लेकिन ये सारी डिटेल्स क्यों? बेवकूफ, छोटा सा सिम कार्ड लेने के लिए इतने सारे डिटेल्स देते हो, और मैं तेरे हाथ में सोने का पुतला देने वाला हूँ तो मुझे कितने डिटेल्स मांगने चाहिए? सर आ? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ सर। तू ज्यादा बकवास मत कर, सब मैं डिसाइड करूंगा, तू पहले डिटेल्स लाकर प्रोसेस में लग जा। ओके, ये मोटा आदमी कौन है? मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पहली बार ही पी रहे थे। ओ, तुम्हारा पहली बार था? पहली बार है।
खराब होने के लिए इतना काफी है? सिर्फ सिगरेट ही चलती है या फिर और कुछ, जैसे रम, जिन, ब्रांडी, बिस्की, दाढ़ी बाड़ी? ए, चुप! क्या नाटक लगा रखा है? ओवर एक्टिंग करेगी तो झापड़ मारूंगा। पता नहीं कहाँ से आई और हमारे गांव की लड़कियों को खराब कर रही है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, सॉरी। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। चलो उठ उठ उठ, चलो उठ उठ, मैंने कहा ना उठ। तुम्हारे यहाँ कोई गलती करता है तो पैर पकड़ता है, ये तुम्हारे यहाँ का स्टाइल है। हमारे यहाँ पर गलती करते हैं तो हक करते हैं, ये तो हमारे यहाँ का स्टाइल है। चाहो तो अपने फ्रेंड से पूछो, ए क्या बोलती है। हाँ सही कह रहे, लग जा गले। अरे बहुत हो गया तेरा, हमें भी गले लगना है। इसने कर लिया ना तो तुम लोगों ने भी कर लिया, अब निकलो तुम लोग यहाँ से। एक बार ये नहाने चला जाए तो एक घंटे तक बाहर नहीं आता। मैडम जी मैंने सुना है आज आपका जन्मदिन है, सही है क्या? इसीलिए तो मैंने पूरी रात प्रैक्टिस कर करके, क्या अब प्रैक्टिस करके एक शब्द सीखा है। बोलो क्या? वो तो मेरे लिए बहुत हार्ड था। बोलो क्या? बोलती हूँ हाँ, हैप्पी। पहले मेरे बेटे को बोलने दे, उसके बाद तू बोला, जा अभी। माँ 10 मिनट में तैयार होके आता हूँ। माँ रेडी। मनु मनु इतना ही कहना है? क्या इतना ही, लेट हो रहा है, चलो ना। क्या है तुझे? हैप्पी मनु। क्या हुआ माँ? ये कुछ गाना चाहती है, सुनकर जाए क्या? अरे मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ और इसका भजन नहीं सुनना, चलो माँ। चल मम्मी। क्या है? मेरे को एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं भूल जाऊंगी। तू भूल जा। जिसे कहना चाहिए वो तो नहीं कह रहा है और इसे कहना है। चलो माँ मुझे प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। लगता है तू कुछ भूल रहा है। कुछ भी तो नहीं माँ। सच में? बाय। ओके बाय। मनु आवाज दी क्या? अरे पगली मैंने कब बुलाया? तू कुछ तो भूल रहा है बेटा। कुछ भी नहीं बोला ना माँ। माँ क्या है? अभी याद आया मुझे। याद आ गया? हाँ तुझे बुरा लगा ना? नहीं बेटा, सोचा था सुबह ही बोल दूँ मैं। कोई बात नहीं अभी बोल दे। बहुत भूख लगी है माँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया माँ। तो खा ले ना, इसके लिए वही जरूरी है। मेरी किस्मत ही ऐसी है, आज मम्मी का बर्थडे है और इसे विश करना भी याद नहीं है। हेलो, मास्टर क्या हुआ? मास्टर मनु आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। एक्सीडेंट हो गया, ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और उसने ठोक दिया। 6 महीने के लिए बेड रेस्ट लेने को कहा है। 6 महीने? अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के लिए तैयारी करनी होगी तुम्हें, और इस परिस्थिति में मैं डू वन थिंग। सिमोगा में मेरा एक फ्रेंड है प्रताप, वो 6-time नेशनल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट, यू नो ही इज द लिविंग लेजेंड ऑफ किकबॉक्सिंग इन इंडिया। तो उसके पास चला जा, मैं उससे बात करूंगा, डेफिनेटली इस बार तू ही जीतेगा। नहीं मास्टर, आप बैठकर बता देना मुझे, इतना काफी है, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। उनके पास सीखने के लिए लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं और एक तू है कि डिस्कशन नहीं चाहिए। तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ पर तू सुनता कहाँ है? मीना जैकी चैन की फिल्म आई है, टिकट लेकर आऊँ क्या? जाकर एक कुत्ते का पट्टा लेकर आ। ऐसा क्यों? तुझे बांध कर रखूंगी। मैं रेडी हूँ। क्या नसीब है, पता नहीं ये लड़का कब सीरियस होगा। हो गया ये, तू इतना क्यों सीरियस होती है? तू सिमोगा जाने से मना क्यों कर रहा है? इतनी बार ट्रांसफर ऑर्डर आया फिर क्यों नहीं गई? मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरी भी यही प्रॉब्लम है ना, तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊंगा मैं। Ha ha ha!
पहले तो तू एक हार्ट पेशेंट है, इस परिस्थिति में तुझे मैं छोड़कर कैसे जाऊंगा माँ? मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है माँ, बाकी सब मेरे लिए बेकार है। नमस्कार चंदा मैडम, आइए आइए आइए। नमस्ते, तुम अभी तक हमारी ज़बान नहीं सीखे? सीख रहा हूँ मैडम, सीख रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार। ये मेरी पत्नी है राधिका। ए, क्या है ये? मैं तुम लोगों से ही बात कर रही हूँ, क्या है ये? थप से फूटा, समझी नहीं क्या? बॉटल है। जानती हूँ मैं, अगर सर पर गिरती तो क्या होता? गिरी नहीं ना, चल निकल। तुझे तो मैं ठीक करके रहूंगी। नीचे। नहीं नहीं चंदा मैडम, जाने दीजिए, वो अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं। मुझे जाने को कह रहे हैं? ए, तू नीचे आता है या मैं ऊपर आऊँ? ऊपर आएगी तू, आजा 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 आजा। नहीं नहीं चंदा मैडम, चलिए चलिए अंदर चलिए, आइए आइए बैठिए मैडम। ऐसे लोगों को तो ठीक कर देना चाहिए। ये सब क्या है नायडू भाई, ये आपका ही घर है ना, फिर भी आप डर रहे हैं? हाँ चंदा मैडम, मेरा ही है, वो तो भाड़े पर रहते हैं। पहले बोला था दो जन रहेंगे, लेकिन अब छह जन घुस गए मैडम, और उधर पत्ते खेलते हैं, दारू पीते हैं और अयाशियां करते हैं। अगर बोलने जाता हूँ तो मारने की धमकी देते हैं। तो पुलिस को बताना चाहिए ना? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है चंदा मैडम, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, डर लगता है मुझे। मैं अपने बेटे को भेजती हूँ, वो इन सबको एक सेकंड में ठीक करके रख देगा। नमस्कार आंटी। नमस्ते बदतमीज। आंटी तुझे नहीं कह रही बेटा, उस गुंडे को कह रही हूँ, तू टीका लगा। लड़की तैयार है, लड़के वाले कहाँ है नायडू भैया? बस आते ही होंगे चंदा मैडम। उनको आकर जाने दो, फिर अपनी बेटी को बुलाती हूँ। सर जी आइए आइए आइए। अरे ये बंदर, तुझे ही बोल रहा हूँ, बोर्ड किधर है ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे रे, बोर्ड लगाकर कोई किसी को थोड़ा ही रखता है सर जी। ये मैटर अभी सिविल में है, ऑनर और किराएदार का मैटर कोर्ट के कटघरे में जाकर ही फैसला होगा। तेरी बात मानकर मैं बंदर की तरह लोगों के पास जाकर, क्यों रे बदमाशों पत्ते खेल रहे हो, घर में पी पिला रहे हो, पूछा तो बोलता है ये लो पकड़ लो, ऐसा समझा? समझे? ठीक है सर जी। हर फैमिली वाले लोग खुशी से पी पिला रहे हैं, मजे के लिए खेल रहे हैं, बीच में तू अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है रे? ऐसा बोला तो इसकी क्या कीमत रह जाएगी? घर में बैठकर पीना पिलाना, पत्ते खेलना, ये क्राइम नहीं है समझा? ये उनका मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखने आओगे क्या? मैंने पूछा देखने आओगे क्या? आप सिर्फ यहाँ कुर्सी डाल के बैठिए, मैं अंदर शो खत्म करके आता हूँ। नायडू मामा, ये सर को कॉफी पिलाओ। हाँ ठीक है। तू यहाँ क्या कर रही है? फ्रेंड। दम मारने आई है क्या? अरे रे। ये ले पकड़, कबड्डी खेल के आता हूँ। चल पत्ते डाल, अब डालो ना, मुंह क्या देख रहे हो? कौन है रे तू? खेलने वाला कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, पत्ते डाल। डाल चल। अबे डाल ना। शो। है, तीनों इक्के यहाँ पर है भाई, इसलिए तू हार गया। तू कौन है रे? सबसे बड़ा इक्का होता है। ऐसा नहीं है। ये कैसी आवाज है? मन्नू के कोर्ट में आपस में जिरह चल रही है। हेला नहीं आता है क्या तुझको? इक्का बड़ा होता है। कार्ड खेलने में इतनी आवाज होती है क्या? इतना ही साउंड आता है साहब। ऊपर क्या चल रहा है? जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तुझे नहीं बताया था? जाने दे यार, इक्का ही बड़ा होता है इसमें। इस कमीने ने ऐसा कहा, किंग बड़ा होता है। इक्का बड़ा या किंग? किंग बड़ा होता है, अब तू क्या कर लेगा? तू किसने खेलना सिखाया तुझे? इक्का बड़ा होता है, समझा क्या? Hey
ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है सही हो रहा है। नायडू, तुमने जो केस किया है वो तुम जीत गए। ये लो प्रसाद खाओ। रुक, इधर आ भाई। इसे उठा। नहीं नहीं, हाँ भाई जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। लोकेशन शिफ्ट करना है ना। बहुत समझदार हो सर। ये आप रखो, नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा। और ये तू रख। ये करेक्ट है। सिविल मैटर को ऐसे लोगों को सौंप दिया तो दे विल लुक आफ्टर। हर बात के लिए पुलिस पुलिस करके हमारा दिमाग क्यों खाते रहते हो यंग बॉय? गुड बॉय, आई लाइक यू सो मच। क्लोज द डोर। हेलो, ये क्या है? तुम्हारे लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं तुमको पता है? आज से मैं तुम्हारी हो गई। हर एक लड़की को अच्छा पति मिले, ये हर लड़की का सपना होता है। बाजू वाले लड़की की तरह रहना होगा या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह रहना होगा। जी जी जी, एक गर्लफ्रेंड की तरह ही रहो। मेरी झोली में आज तक तो कोई गिरी ही नहीं। क्या सुनील, इतना लेट क्यों? सुनील, ये कौन है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें पता है? सुनील, सुनील, सॉरी डार्लिंग, बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है ना, इसीलिए आने में लेट हो गया। क्या सुनील, तुम भी पार्क में सब हमारी तरफ देख रहे हैं, उनके सामने छी छी। ओह, ये पार्क है ना, कितना अच्छा है। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कोई और दिखाई नहीं देगा। क्या सुनील, तुम्हें थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है? हमारे घर में किसी को ये शादी पसंद नहीं। मेरा भाई तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। उसको और उसके बाप को लात से मारूंगा, वो समझते क्या है मुझे। डार्लिंग, आज मैं बहुत मूड में हूँ, आजा आजा आजा। शादी से पहले ये सब गलत है। अरे मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो ना। अरे मेरी तकलीफ को जरा समझो, दिखा देना तुमने अपनी औकात। लड़की क्या सिर्फ तुम्हारे लिए इसीलिए होती है? हाँ, उसी के लिए तो मैंने 20,000 रुपए दिए हैं। छे, पैसे देकर लड़की की इज्जत को खरीदते हो? तेरे जैसे को तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। दुनिया में सबसे बड़ा प्यार है, ये कहकर तू एक दिन मेरे पैर पकड़ेगा। तब तक तू अपना ये सड़ा हुआ चेहरा मुझे मत दिखाना। गेट आउट। ठीक है ठीक है, मैं ही जाती हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं चला जाता हूँ। मैं जाऊंगी। ठीक है, चल निकल यहाँ से। क्या है ये? मेरा काम बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे बस यही काम है? हाँ? एक बार ट्राई करते हैं ना। अरे रे वेंकट रमन, वो कौन है? तेरा बॉयफ्रेंड है? तेरे पति के वेंकट रमन। हम दोनों के बीच उसका क्या काम है? अंपायर है क्या? नाटक मत कर, तुम मुझसे ही मिलने आई हो ना यहाँ। ये बिल्डिंग बिल्डिंग देखने आई थी। ये ताजमहल है या मैसूर पैलेस है? अगर इच्छा है तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एक बार आंख बंद कर ले, ट्राई करते हैं। अरे रे, नहीं 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 नहीं। पसंद नहीं है क्या? चल निकल। ओए मैडम। हाँ,
तेरा नाम क्या है? आयशा अनु वेद प्रकाश नायडू। आयशा अनु वेद प्रकाश नायडू। आयशा ही बेटर है, तू जा। तूने किसी से लव किया है क्या? बॉयफ्रेंड है क्या, इतना पूछ रहा हूँ। मैं ट्राई करूँ क्या? इमनु, वो लड़की अच्छी है ना? अच्छी है या ठीक ठाक है? कैसा भी समझ लो, वो मुझे लव करती है नहीं, ये मुझे डाउट है। तुम एक बार बात करके उससे कंफर्म कर लो तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ए, तो जाना, तुझे पसंद है तो तू जाकर बात कर, मैं क्यों हूँ बीच में? ये ओवर हो रहा है। क्या ओवर हो गया? मैंने एक लड़की पसंद की है तो तुम्हें उससे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो तू दूसरी लड़कियां दिखाती रहती है। ये तो इधर ही है। ओके, मैं जाकर बात करती हूँ, तुम यहीं पर रुकना। हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, समझ गए ना? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आंटी आप, मैं वही हूँ नायडू अंकल के घर में, टीका। ओह, अभी याद आया मुझे। आंटी नमस्ते। नमस्ते, यहाँ क्या कर रही हो? शॉपिंग। शॉपिंग, इसकी मैरिज है ना। यहाँ भी आ गया। कौन है? वही, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना ये हर कहीं आ जाता है। इसे देखकर मेरे पैर कांपने लगते हैं। ये वही है आंटी, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। छेड़ता है तुम्हें? ए, तुम ही से कह रही हूँ, इधर आओ। आंटी वो यही आ रहा है, अब क्या करें? नहीं 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 नहीं, बचाले भगवान। इतना कर क्यों रहा है? खुद को हीरो समझता है क्या? हाथ नीचे कर। ए, क्यों रे, लड़कियों को खेलने वाला कठपुतली समझा है क्या? अगर दोबारा इसके करीब आने की हिम्मत की ना, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। ऐसे लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए मैडम, दो चार लगाना चाहिए। क्यों रे, ऐसे क्यों घूर रहा है तू? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? वो क्या है, ऐसे लोगों को जमकर पीटना चाहिए मैडम। वो कौन है बताया तुम्हें? कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना। तुम्हें किक बॉक्सिंग आती है क्या? नहीं आती। लेकिन उसे आती है। तेरे सारे स्पेयर पार्ट्स लूज करके तेरी जेब में रख देगा। मिस्टर जेंटलमैन, आप यहाँ पे आओगे क्या? पर्सनल बात करनी है। डैडी, मैं फिश मार्केट में हूँ। किधर आऊँ? पार्क में। ओके, आई एम कमिंग। क्या दादागिरी है ये? हाँ, चुपचाप निकलो यहाँ से। लड़की को परेशान करने वाले को अच्छा सबक सिखाती हूँ मैं। चल निकल। आंटी, दोबारा इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो देख लेना। चलो ना जाने दो आंटी। क्यों? वो ना मुझे पसंद है। पसंद है मतलब? पसंद है मतलब वो तुम्हें पसंद है? नहीं आंटी, उससे दूर ही रहती हूँ। पास जाती हूँ तो उससे डर लगता है। तू इतनी जल्दी ट्रेंड हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। तुझे इस मैच को जीतना ही होगा। जीत गया तो नेक्स्ट चांस फाइनल के, और अगर नेक्स्ट मंथ के फाइनल में जीत गया तो डायरेक्ट नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। इस बार तेरा अपोनेंट कौन है पता है? टू टाइम्स चैंपियन सतपाल। Come on. On Manu, come on. इस तरह क्या खेल रहे हो? मारो उसे। Yay!
सीटी बजाइए ना, सीटी बजाइए। बजाना नहीं आता है मुझे। हाँ? नहीं आता है? हाँ नहीं आता है। ए, तुम सीटी मारो। मुझे नहीं आती। खाना खाना आता है? मैं ही बजाती हूँ। Come on, come on, come on! Hey, Aisha! Hey! Hi, honey! इस तरह उठ जाइए ना। क्यों? सीटी मुझे नहीं आती नहीं। यहाँ बैठकर क्या करोगी? चलो जाओ। ऐसी आ। जाओ। तुम बैठो। तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैं तो दोस्त के लिए आई हूँ। अच्छा, मुझे लगा बॉयफ्रेंड के लिए आई हो। अच्छा आंटी, आप यहाँ किसके लिए आई हैं? वो आपका बेटा है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कितना अच्छा दिखता है, बहुत पसंद है। मसल्स देखे इसके, एकदम ही मैन की तरह, एकदम ही मैन। बैठो ना, देखो ना उसे। ये आंटी, वो आपको क्यों पसंद है? मुझे स्पोर्ट्स पसंद है और वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। ये मनु। हाँ? आयशा, आयशा। सुनाई नहीं दे रहा। अरे बेवकूफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मामो, यही है नायडू का घर। वो लड़की मिले तो उससे कहना बुलाया है। उसका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आयशा, आयशा। यहाँ स्टाइल मत मार, नायडू की बेटी है। आयशा नायडू। अरे नायडू साहब, कैसे हैं आप? ओ, मैं ठीक हूँ बेटा, आओ आओ। ये ओवर कर रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़की है या नहीं ये देखने के लिए कहा था तुम्हें। अरे वो सुबह की गाड़ी से निकल गई। आयशा आसाम चली गई। कौन है? हाय आयशा, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? आप यहाँ? मुझे यहाँ नहीं, तो और कहाँ होना चाहिए? वो मेरा बेटा है यार। ए, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद है ना? शादी करोगी उससे? शादी होने के बाद उसे बहुत अच्छे से रखना। ए, इसके हाथों मार खाई तूने, शर्म नहीं आई तुझे? जा मार उसे, जा मार। जिसको अपने बाप के नाम तक का पता नहीं, उसको क्या कहते हैं पता है? अरे ओ, क्या बोला तूने? इस मिट्टी का एक एक कण मेरे बाप के नाम है। पहले भी खा चुका है तू, फिर खाएगा क्या?
बदमाश। तुम भागो। मनु 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 छोड़ उसे। नहीं छोड़ूंगा। मनु मनु नहीं छोड़ूंगा। मनु मनु क्या कर रहे हो? छोड़ मार, मनु खून कर दूंगा। मनु मारने के बाद ही छोड़ूंगा इसे। पता है क्या बोला इसने मुझे? मनु ये कॉलेज है, मार्केट नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को गाली दी तूने, एक गंदी जुबान वाला आदमी ऐसी हरकत कर सकता है? जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं ना, वो इस तरह की गाली नहीं देते। उसकी रगों में ना बहुत अच्छा खून है। पूरे देश को जिस पर गर्व हो, ऐसे वीर का बेटा है वो। हर हिंदुस्तानी जिसे मान दे, से आशीर्वाद दे, ऐसे ही एक महापुरुष और स्वाभिमानी इंसान का बेटा है ये। ऐसे बेटे को तूने गाली दी? अगर दोबारा इसे गाली देने की हिम्मत की ना तुमने, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। फिक्स है? फिक्स। 20,000। जाओ उसे बोल दे। तू अंदर जाएगा ना, तू ही बोल दे। हेलो, आई एम वेटिंग। वो सब छोड़ो, आज मैं जो बोलूंगा करना पड़ेगा। जैसा आप कहें। एक सुंदर गेस्ट हाउस है, मैं यहाँ अकेला इंतजार करता रहता हूँ। बाहर हवा का झोंका, बिजली, फिर बारिश। तुम अकेली चल कर आती हो बारिश में भीगी हुई गेस्ट हाउस का दरवाजा ऐसे खटखटाती हो, फिर मैं बड़े आराम से ऐसे दरवाजा खोलता हूँ, सामने देखता हूँ तो आनंद ही आनंद, और तुम भीगे कपड़ों में बहुत ही सेक्सी दिखती हो। जस्ट अ मिनट, ये बाथरूम में गई है, काम हो जाएगा। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना? जस्ट अ मिनट। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कुर्ता निकाल कर मुझे दिया, आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? बहुत ही आसान है, आजा, आजा, आजा। यहाँ पे आसरा मिलेगा, मैं ये सोच कर यहाँ आई थी। ये तो अन्याय है, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, समझे तुम? आर यू मैरिड? मैंने एक लड़की से प्यार किया, उसने भी मुझसे प्यार किया, मेरे हाथ में एक बच्चा देकर टाटा कहकर भाग गया, उस पर विश्वास करके घर वालों को छोड़कर आ गई, और यहाँ वहाँ काम करके मैं अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ। किस्मत में ऐसा खेल खेला मेरे साथ। तुम भी खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? तुम्हारा इतना बड़ा फ्लैशबैक होगा, मैंने सोचा नहीं था। आई एम सॉरी। ये गेस्ट हाउस भी तुम्हारा, ये बेड भी तुम्हारा, बाकी सब कुछ बाहर में गया। एक्सक्यूज मी, बुलाया क्या? टॉप दिया, बॉटम भी अब दे दो। अरे सब कुछ तुम्हारा ही है, ले लो। आप भी ऊटी से? ऊटी से? सॉरी,
सारे किसको बताऊं? मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि मीना, मीना क्या हो गया? मीना माँ किधर है? माँ बनू, मेरी बात सुनो, तुम वहां मत जाओ, तुम अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। छोड़ो, माँ को मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? मनु, मनु। छोड़ो मुझे, मनु। जाने दो मनु, नहीं मुझे, नहीं मनु, रुक जाओ, जाने दो मुझे, मुझे माँ को देखना है। अरे नहीं, किसी को जाने, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसका बेटा हूँ, मेरे अलावा और कौन है उसका? मामो प्लीज मत जाओ, मामो। मैं नहीं गया तो मर जाएगी वो। छोड़ो मुझे, जाने दो। Excuse me, I'm very sorry. Her condition is very bad. अगर किसी को बात करनी है तो जाकर कर लीजिए। मनु, मनु बोलना माँ, मेरी आखिरी इच्छा। आखिरी इच्छा? ऐसा मत बोल तू। मैं जो कह रही हूँ वो सुन। बोल। मेरे जाने के बाद माँ, इस बार मेरी बात सुन ले बेटा, मेरे जाने के बाद तू अकेले मत रहना, तू अपने पापा के पास, अपने पापा के पास चले जाना बेटा। तू पागल हो गई है क्या? उसके बारे में बात मत कर। मेरे लिए बेटा, तू, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है। किकबॉक्सिंग के लिए मैंने कभी तुझसे नहीं कहा था, तू खुद ही सीख गया, क्योंकि वो तेरे खून में है बेटा। ट्रेनिंग के लिए शिमोगा जाने को कहा था तो मना कर दिया था ना, पर आप 6 बार नेशनल चैंपियन बन चुके हैं, वही तेरे तेरे पिता हैं। तू अनजाने में ही उन्हें रोज प्रणाम किया करता था। तू जहाँ प्रैक्टिस करता है वहाँ जो फोटो है वो फोटो तेरे पिता की है। जाएगा ना उनके पास माँ, जाएगा ना? हाँ प्लीज मनु, मुझसे वादा कर, वादा करके तू जाएगा। जाऊंगा माँ, लेकिन तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ माँ, माँ, डॉक्टर! क्या हुआ? डॉक्टर, मेरी माँ, मेरी माँ! I'm sorry. Sorry? क्या sorry? हाँ? डॉक्टर, डॉक्टर! ए मीना, मीना, ए उठ जा मीना, मीना, मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, प्रॉमिस किया था तूने मीना, ए मीना, मीना, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है मीना, उठ जा, मुझे छोड़कर मत जा, उठ जा ना। Thank you.
पर गाड़ी नंबर 2021 आ चुकी है। यात्रीगण कृपया अपना सामान स्वयं देखें। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आने वाली गोयंका एक्सप्रेस 2 घंटे देर से आ रही है। गाड़ी संख्या 6145 दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। मनु प्रताप तेरा बाप। सरकुली नहीं तू जा। इतना सारा वजन मैं उठाऊंगा? पूरे 21 साल मेरी माँ ने तुझे हर जगह ढूंढा, पिता का पद मिला है, 2 मिनट ये वजन नहीं उठा सकते क्या? चलो। मीना गुजर गई ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मी शी वाज अ नाइस गर्ल। ऐसे क्यों घूर रहा है? गर्ल कहा इसलिए, तेरे लिए वो मम्मी थी, मेरे लिए वो हमेशा गर्लफ्रेंड ही थी। मिस्टर प्रताप। हाँ क्या हुआ? नाम लेकर बुलाया इसलिए? मैंने अपनी माँ को हमेशा नाम लेकर ही बुलाया है, तुम्हें भी ऐसे ही बुलाऊंगा। तुम्हें अगर बुरा लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जा। सीता। मन्नु मीना का बेटा। सिर्फ मीना का बेटा नहीं, तुम्हारा भी बेटा हूँ, ये भी बोलो। ये कौन है? ये तेरी छोटी माँ है, है? हाँ। तेरी एक छोटी बहन भी है। अनु। यस पापा। मनु तेरा बड़ा भाई। तुम्हारी माँ के गुजरने की खबर मिली, बहुत फील हुआ। क्या लोगी तुम? कॉफी टी बॉर्नविटा हॉर्लिक्स? कुछ नहीं चाहिए, सारा सामान उठा के ऊपर रख दो। हेलो हेलो, इधर नहीं, दूसरी जगह जाना है। नसीब। सुनो, तुम बोलते हो तो मुझे इरिटेशन होता है। मेरी माँ ने कहा था इसलिए यहाँ आया, होटल गेस्ट हाउस में मैं स्टे नहीं करने वाला। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत बड़ा बंगला बनाया है, समझे? ए, बताता हूँ, चल जो भी है यही बताओ। बताता हूँ, आना। कॉफी पियोगे टी पियोगे ऐसा बोल रही है, तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है। वो अच्छी ही है सिर्फ 2 दिनों के लिए, उसके बाद वो तेरे बारे में कुछ कहेगी और तू उसके बारे में कुछ कहेगा, और उसके बाद ये सब सुनकर मैं भी कुछ कह दूंगा, फिर वो गुस्से में और तू भी गुस्से में। ये सब तुम्हें चाहिए क्या? फैमिली टेंशन। कमिन कमिन। देखो, इट्स माय ड्रीम, ये सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, माय फ्यूचर चैंपियंस। हे साइडलाइन, राइट लेग इन फ्रंट। इसे किकबॉक्सिंग कहते हैं। इन सबको ट्रेन करने में मुझे एक तरह की खुशी मिलती है। लुक, हे इज मिस्टर आनंद, द फ्यूचर चैंपियन। कल से यहीं पर रहकर इनसे पैसे जमा करो। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठकर ये सब क्लीन करना है। ज्यादा नाटक नहीं, सब अपना ही है। ये बालू भी तेरे साथ रहेगा। वारी किस्मत। क्या हुआ? हमारे काम में किस्मत की बात कर रहा है? ये काम करने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा इसलिए। हे 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 मनु, हे हे, मेरे सामने नाटक करता है। जो भी हो बेटा तो मेरा ही है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। सुन, वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ क्यों हैं? उनको भी मेरे डैड किकबॉक्सिंग सिखाते हैं क्या? है? अरे नहीं नहीं भैया, उधर तो संगीत सिखाते हैं। बाहर से आए हैं, 3 महीने का कैंप है, यहाँ पर नाचना और गाना सिखाते हैं। गाना आनंद नागमणि विद्वान मास्टर हैं। ता देना 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 ता देना। उनका एक बेटा है बालमणि, मास्टर जी जैसा विद्वान है। नागमणि बड़ी बेटी है, अप्सरा जैसी नाचती है। उनकी एक और बेटी है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आगे क्या बताऊँ मैं? अरे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। आज ना मैं तुम सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं बैंगलोर गई थी, ये तो तुम सबको पता है ना। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी और वहाँ एक यंग और हैंडसम लड़का था। मैं जहाँ जाती वहाँ आ जाता था। जब भी मुझे देखता भागता हुआ चला आता था। उसे मैं इतनी पसंद आ गई थी कि मेरी ब्यूटी के पीछे पागल हो गया था वो। और फिर एक दिन
वो मेरे बहुत क्लोज आ गया, नोज टू नोज, फेस टू फेस, बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था वो। ए सुन, जल्दी से निकल ले यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा बोल के मैंने उसे जोर से किक मार दी। बहुत दूर जाकर गिर गया वो। आप सच कह रहे हैं दीदी? ए आशा। ऐसे ही ऐसे ऐसे ही बुलाता था, एक बार और बुलाएगा ना तो। आशा। इधर आ, इधर आ ना। किक बॉक्सिंग आती है तुझे? अभी बताया ना तूने। वो क्या है ना, बच्चे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो मैंने एक स्टोरी सुना दी। कितनी बार मैंने तुझे बोला है, ढंग से बोलो, ढंग से बोला कर। मैं तो ढंग से ही बोलती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मुझसे बात ही मत करो। मुझे जो बोला किसी दूसरे को बोलेगी तो मुंह पे मारेगा, पागल लड़की। इस मिट्टी में पैदा होने के लिए नसीब चाहिए और इस सब के लिए पुण्य किया होना चाहिए। वो यहाँ से कब तक जाएगा? कौन? वही, तुम्हारी पहली बीवी का बेटा। वो जाने के लिए नहीं आया है यहाँ पर, यहाँ रहने के लिए आया है। वो अगर यहाँ पर रहेगा तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा उस फैमिली से कोई संबंध नहीं है, वहाँ से कोई नहीं आएगा, यही कहकर आपने मुझसे शादी की। अब देखो ये आकर बैठ गया, गांव वालों को मेरा बेटा कहकर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। उसके यहाँ आने के बाद से लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ, मुझे ये पसंद नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? मैं शादीशुदा था, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती थी, तुम्हें बताकर मैंने शादी की थी। तुम्हें समझना चाहिए ये बात, वो अपनी माँ को खो चुका है, उसका हम ही तो आसरा है ना। मेरे साथ तुमने धोखा किया। क्या है ये, खाना तो खाने दो। ए, ए, मनो। देख लिया ना वो कैसी बातें कर रही है मुझसे, कह रही है कि मैंने उसको धोखा दिया है। हे, मैंने तेरी मम्मी को कभी धोखा दिया क्या? उन्होंने परफेक्ट कहा, तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो। ये रहा आज का कलेक्शन। यही सुनना रह गया था, किस्मत है मेरी किस्मत। अरे तू काम के लिए ज्वाइन किया है क्या? तू अरे मैंने बोला था तेरे को, तूने मुझे चूज कैसे दिया, किससे पूछ के दिया तूने? हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? हाँ देखिए सर, मैं डेली फ्रेश जूस पीता हूँ सर, और इसने मुझे ग्लूकोज मिला के दिया है। क्यों रे, पूछना चाहिए था ना, किसको क्या चाहिए अच्छी तरह से पूछकर समझ लो, और जो भी करते हो पूरे होश में रहकर करो। आनंद, बताना भूल गया था, ये मेरा बेटा है मनु। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। बेटा हो या बाप, गलती गलती होती है। ये आनंद है बेटे से भी बढ़कर, He is my future. Come on, my boy. बेटे से भी बढ़कर। हे भगवान, तू यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। अरे रे रे रे, कहाँ घुसी चली आ रही हो, चोरों की तरह? वो मुझे जरा तुमसे कुछ बात करनी है। बात कर तो रही है। नहीं वो नहीं। फिर क्या है? मैंने उस दिन दम मारा था ना। सिगरेट पी थी ना। कोई बात नहीं, पहले जिस स्टाइल से बोल रही थी ना वैसे ही बोल। मैंने उस दिन दम मारा था ना, वो बात मेरे पिताजी को मत बताना, हमारी फैमिली बहुत संस्कारी है। तो क्या हम भिखारी फैमिली से? ए, ये बात कहने के लिए इस समय इस बैचलर के रूम में आई है क्या? मेरे ऊपर कितने रेप केस है पता है तुझे? सच कह रहे हो? ए, तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्यों चिल्ला रही है तू? सॉरी बोल। सॉरी। तेरे स्टाइल में नहीं चलेगा, मेरे स्टाइल में बोल। ऐसे करो। तू क्यों आई है यहाँ पर सॉरी बोलने के लिए? अरे नहीं नहीं, ये मेरे साथ आई है। ए, सॉरी बोलने के लिए अकेले आना चाहिए था ना। क्या पागल लड़की है ये, हट
अरे ऐसा जल्दी राधा, तू चल मैं जरा आती हूँ। अब क्या बाकी है? क्या है? वो सॉरी। तुझे या तेरी बहन का? सिर्फ मेरा। कुछ कम ज्यादा हो गया तो चलेगा ना? इस सब की जरूरत नहीं है, उसे वहीं रहने दो। क्या हुआ? मेरी बीबी को रात से बहुत ज्यादा बुखार है, उसका बदन बहुत तप रहा है, मैं दोपहर को आऊंगा। दोपहर में आने की जरूरत नहीं है, तेरी बीवी जब ठीक हो जाए तब आना। लेकिन साहब जी। ए, तेरे साहब जी को मैं बोलूंगा, टेंशन मत ले। डॉक्टर को दिखाया क्या? नहीं। एक दूंगा अभी, जाना चाहिए था ना। समझ गया, ये ले। नहीं नहीं, ओवर एक्टिंग मत कर, ये रख ले, बच जाए तो फ्रूट्स ले लेना, फालतू खर्चा मत करना। नहीं नहीं नहीं, समझ गया ना। ए आनंद, राइट राइट राइट। ये क्या है, तू ये सब क्यों कर रहा है? बालू किधर है? बीवी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आया। बीवी की तबीयत ठीक नहीं है? बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वो उसकी सेवा कर रहा है वहाँ? दवाई दे देता ठीक हो जाती। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। उसकी बीवी को बुखार है इसलिए उसके सर पर अमृतांजन रखकर पट्टियां बदल रहा है। बीवी और प्यार का मतलब क्या होता है ये उसे पता है। सब लोग तुम्हारी तरह जानवर नहीं है, बीवी की सेवा करने के लिए योग चाहिए। पशु पक्षियों को भी रिश्तों के बारे में पता होता है, तुम्हें क्या पता है? हे, क्या है रे? मारेगा क्या? खून करेगा क्या? तू तू जब से आया है तब से देख रहा हूं मैं तुझे, ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है तू। हे, गलती कर दी तुमने, तुम्हें पसंद नहीं आया इसलिए तुम उसके साथ नहीं रही और मुझे फंसा दिया उसके साथ। छे, जिंदा रहना चाहिए था तुम्हें, बच गई तुम। एटलीस्ट प्यार करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए था ना, जो इस लायक नहीं है उसको कैसे दिल दे बैठी तुम। ए मनो, चल बाहर आ जा। क्या है? ए, बाहर आ। आज तू नहीं या मैं नहीं, डिसाइड हो जाने दे। क्या डिसाइड करना है? क्यों यार तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा है? तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने से इतने सालों तक दूर रखा इसलिए ना। आजा बेटा, ये राजा, रोवर, रॉकेट और रानी, चारों के संगम से बने जैक की कसम खाता हूँ, तुम्हारी मम्मी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं की। किक बॉक्सिंग मतलब मेरी जिंदगी है, चैंपियन बनने का खूबसूरत सपना देख रहा था और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करता था, ये करवाती थी तेरी मम्मी, और मैं उसको जान से भी कहीं ज्यादा प्यारा था, शादी की उससे और फिर तू पैदा हुआ। बहुत अर्जेंट में आया गया तू और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई अपनी। तेरी मम्मी को तुझसे बहुत ज्यादा प्यार था और मुझे अपने गेम से बहुत ज्यादा प्यार था। गुड गुड, वेरी गुड प्रताप, वेरी गुड वेरी गुड। गो एंड टेक रेस्ट, कल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मैच है और ये मैच तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। यू शुड विन दिस मैच। श्योर सर। गुड नाइट। गुड नाइट। मीना, मीना। साहब जी, मैडम जी तो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। ऊपर से गिरने की वजह से बहुत चोट लगी है, खून बहने की वजह से बेहोश हो गए हैं साहब जी। क्या हुआ मुन्नू को? Excuse me? मनु, देखिए मैडम, बच्चा कांच पे गिरा है, ब्रेन में कांच का टुकड़ा है। एक घंटे के अंदर ऑपरेशन करना जरूरी है, काउंटर पे पैसे भर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बोल नहीं सकते, ब्रेन मतलब बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है, थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो डेंजर है। मिस्टर प्रताप, व्हाट इज दिस? कल तुम्हारा मैच है और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है। सर वो, शट अप। ऐसे यहाँ पर हमने तुम्हारे भरोसे पर इतना रुपया इन्वेस्ट किया है और तुम यहाँ पर गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हो, ये कैसे चलेगा?
चलिए प्लीज कम। मैडम ये सब अर्जेंटली मंगा लीजिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? तुमने कितना पैसा लगाया था? मैं मतलब मैं कुछ भी नहीं करना चाहती उसकी। मैं तो बाहर चाहिए पैसे डूब जाएंगे। वो बाहर नहीं आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं हमारे पैसे को हमारे में समझ गए। सुना तुमने बात नहीं सुनिए जी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट पड़ेगा मीना सर? चलिए मैं आता हूँ। देखो प्रताप। हे जाओ मैं आता हूँ। बोला ना जाइए प्लीज। मीना मीना तुम यहाँ पर रहकर बच्चे की देखभाल करो। मैं जाकर उनसे बात करके आता हूँ। लेकिन आप बच्चे को इस हालत में छोड़कर। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हॉस्पिटल में पैसे भिजवा दूंगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। तुम यहाँ पर हो, बच्चे की देखभाल करोगी। मैं यहाँ रुक भी गया तो क्या कर लूंगा? तुम्हें बच्चे से ज्यादा बॉक्सिंग की फिक्र हो रही है? ओ बच्चा बच्चा बच्चा, दुनिया में और किसी ने बच्चा पैदा नहीं किया क्या? एक तुम्हें बच्चा पैदा किया है। ऐसा ही समझ लो, मेरे लिए बच्चा ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए मेरा गोल इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा मर गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग पैदा होते हैं मरते हैं, और मौत को रोकना हमारे बस में नहीं है। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसे कुछ अचीव करना चाहिए, और आज मुझे ऐसा मौका मिला है। जो मौका मुझे मिला है वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। मेरी बात भी सुन लीजिए, जिस तरह आपके लिए आपका गोल जरूरी है उसी तरह मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है। एक पति सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं तकलीफ में भी अपनी पत्नी के साथ होता है। अगर आज आप यहाँ से चले गए तो लौटकर कभी मेरे पास मत आइएगा, और अगर लौटकर आएंगी भी तब भी मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी। अब आपको जो फैसला करना है कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं बना चैंपियन। एक बार नहीं छह छह बार मिला है मुझे रिकॉर्ड बेटे रिकॉर्ड। ये सब होने के बाद मुझे लगा कि तुम्हें और मीना को दूर रखकर गलती कर रहा हूं, तुम दोनों को धोखा देता आ रहा हूं। बहुत दुख हुआ। फिर मैं सीधा मीना के पास पहुंचा और उसे सॉरी बोला। मैंने अपने साथ चलने के लिए कहा उसे। उसने परिस्थिति के हिसाब से जीने का फैसला कर लिया, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई। नहीं आई, जिद्दी थी वो। सब सही है तो फिर ये सेकंड सेटअप कैसा? ये तो ऑब्लिगेशन है बेटा। मेरे घर छोड़कर आने के बाद सीता के पिता ने मुझे अच्छी कोचिंग दी, स्पॉन्सरशिप दिलाई, खाना दिया, रहने की जगह भी दी। बहुत ज्यादा एनकरेज किया उन्होंने। अच्छा, इसलिए उसकी बेटी को एनकरेज कर रहे हो? मैंने उससे कभी भी शादी करने की कोशिश नहीं की, वही मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने मीना को फोन करके पूछा तो उसने साफ कह दिया कि तू कुछ भी कर ले लेकिन वापस मत आना। और ये जो है सब कुछ जानने के बाद भी शादी को तैयार हो गई। अब वो कैसे हुआ कुछ पता नहीं, पर लॉक हो गया है? मैंने तेरी मम्मी को धोखा नहीं दिया। उसको छोड़कर आने के बाद वो स्कूल टीचर बन गई। काम करने वाले को क्यों डिस्टर्ब करना, इसलिए मैं भी चुप रह गया। तुम्हारे आदर्श को अगर कोई फॉलो करेगा तो काम करने वाली बीवी अपने पतियों को छोड़ देंगी। बता तो ऐसे रहे हो जैसे राम कथा है। ए मनु मेरी बात तो सुन ले। तुम्हारी बात सुनने के लिए मुझे भी एक बोतल चढ़ानी पड़ेगी, वो मेरी माँ ने नहीं सिखाया। कोई मनु मिल गया तो सुबह तक काटते रहोगे क्या? ए जिद्दी, मम्मी की तरह इसे बदला नहीं जा सकता। मामू मामू मामू। अरे तुम यहाँ कैसे? मामू मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मामू देख तू झूठ मत बोल, तू होशियार है, कोई ना कोई प्लान बना के आया होगा। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सफर में थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है मामू। अंदर जा, जो भी मिले वो खा लेना, या फिर ये जो पानी गिर रहा है जितना मन करे पी लेना। बालू इसका सामान अंदर रख दे। ठीक है। छिल तो रहा है, क्या नसीब है यार, इसके भरोसे आया तो ये झरने का पानी पिला रहा है। इस कार्टून को मैंने कहीं तो देखा है। मंटो साहब मंटो साहब मंटो साहब मंटो साहब। ये कौन सा नया गेटअप बनाया है आपने? अरे लोकेशन चेंज हो गया है ना,
That's why. और आप इतनी दूर क्यों आए हैं? इंसान बनकर अब तक मैंने क्या कमाया, मरने से पहले जी कर जाना चाहिए, मरने से पहले एक बार जैक फॉल्स देखना चाहिए, नहीं तो जीवन में फिर पछताना पड़ेगा, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, इसलिए जैक फॉल्स देखने के लिए आया हूँ। ओके हाँ, सब कुछ ओके ही है। पम्मी भी आई है क्या? आई है, गेस्ट हाउस में वो रेस्ट कर रही है। ऐसी जगह पर क्यों लेके आते हो? मुझे सब की आदत नहीं है। इसकी आदत नहीं होती है मामू। अरे मुझे क्यों बिगाड़ रहा है यार? एक बार ये सब करके देखना चाहिए, फिर फैसला करो सही क्या है गलत क्या है। वही करिए सब। अरे मामू, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि मेरी जेब में एक भी पैसे नहीं है। बैठ जाओ मामू, थोड़ी पी लेते हैं। क्या डांस कर रही है? क्या कर रहा है वो पता है? वो मेरी मर्जी से कर रहा है। और ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा भाई हूँ मैं। किस रिश्ते से? हम दोनों एक माँ से तो पैदा नहीं हुए हैं ना? हमारा बाप तो एक है। मुझे जिस रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम मुझ पर अधिकार मत जमाओ। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली अलग अलग है। मैं और आनंद एक ही फैमिली के हैं। हम प्यार करते हैं, हम कैसे भी रह लेंगे। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाला वो कौन है? आनंद हमारे लिए अजनबी नहीं है। 4 साल से हमारे घर आता जाता है। हमारी अन्नू को कितनी बार डिस्को ले गया है, इसमें क्या बुराई है बोलो? और वो खुद लड़की के साथ घूमता है। हम तो उससे नहीं पूछते, जब से ये पैदा हुई है ना आपने ना मैंने कभी हाथ नहीं उठाया है। आज उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया? अरे आखिर कौन है वो हमारा? वो कौन है? कौन है मुझसे बार बार मत पूछो। वो मेरा बेटा है, मेरा खून है। मनु क्यों ये बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहा है? तू कौन होता है मेरी बेटी को मारने वाला? वो मेरी छोटी बहन है, सीता मेरी माँ है और तुम मेरे बाप हो, एंड दिस इज माई फैमिली, समझे क्या? तो क्या तू इसके लिए उसके ऊपर हाथ उठाएगा? वो चोरी से उसके साथ नहीं गई थी, बल्कि मुझसे परमिशन लेकर गई थी। मैंने खुद उसके साथ उसको भेजा था। अब उसका बाप हूँ मैं यार। गैर जिम्मेदार बाप हो तुम। तुम अपनी बेटी को बेच सकते हो, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं बेच सकता। ऐसा नहीं है बेटा, वो दोनों प्यार करते होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? प्यार करने वाला टॉयलेट में जाकर कपड़े नहीं उतारता। तुमसे बात करके इज्जत से शादी करके घर बसाता, समझे? मीना, कैसे बेटे को जन्म दिया है तुमने, कितनी अच्छी तरह से परवरिश की, इसके सामने तो मैं बहुत छोटा हो गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रताप। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। रखो अपनी जेब में, आनंद किधर है? वो क्यों? तुम पर भरोसा करके हमने उस पर लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर वो हमारी कंपनी की तरफ से फाइट करेगा, हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमने आग बंद करके भरोसा किया। ये मतलब की डिस्कशन बंद कीजिए, बात क्या है बताइए। हमें पता चला है कि वो जीके के साथ मिला हुआ है। देखिए, लगता है आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। hey, हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। आप क्या करोगे हमें नहीं पता। आनंद हमारी कंपनी की तरफ से ही फाइट करेगा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बी केयरफुल। Yes! Excuse me, please. आनंद, तो या हेलो, मुझे इससे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। hey! इसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। पागल हो गया है क्या तू? क्यों ऐसा कर रहा है? मनु ने मारा इसलिए तो नहीं? मैं उससे सॉरी बुलवाऊंगा, देखना वो तेरे पैर पकड़ेगा। सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। hey, मैं तेरा मास्टर हूँ यार। सॉरी, आप मेरे मास्टर नहीं है। वहां देखिए, वो है मेरे मास्टर। आपने मुझे ऐसे ही ट्रेनिंग नहीं दी, फीस दी है मैंने, फीस। क्या बोला? मैं तेरा मास्टर नहीं हूँ।
मैं तेरा मास्टर नहीं हूँ। हिट मार से। सिर्फ इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रेन किया है? सिर्फ इसके लिए क्या है? कौन है? क्या है? वो अभी तक घर पे नहीं आए, 2 बज गए हैं। पी के कहीं सो गए होंगे, आप जाइए। पापा कितना भी पी ले मगर 9 बजे तक घर आ जाते थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा अभी तक घर नहीं लौटे। हम लोग इंतजार करके थक गए। डैडी नहीं आए, डैडी नहीं आए, डैडी नहीं आए। 19 साल तक मैंने भी इंतजार किया लेकिन नहीं आया। मेरी माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थी। मेरा बाप नहीं आया, एक रात लेट क्या हो गया? तुम लोग मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हो, जाकर सो जाओ। तेरे मन में पिता के लिए प्यार होगा ये सोचकर हम आए। तेरी माँ भी तेरी जैसी होगी, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया। ए! मेरी माँ के बारे में बात करने की औकात नहीं है आपकी। उसके पैर की धूल के बराबर नहीं हो। दोबारा अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो जान से मार दूंगा। आउट, गेट आउट। भाई भाई भाई, किसने मारा? मनु, मैंने पूछा किसने मारा? तू बाहर चल। क्या हुआ बता? मनु, कहाँ ले जा रहा है तू? ए मनु, रुक जा, क्या कर रहा है? देख लो, ए मनु, तू क्या कर रहा है? देख, पागल हो गया क्या? अरे, ए मनु, अरे, मेरी बात सुन, देख मनु। क्या है रे? हाँ, क्यों इतना चिल्ला रहा है? तुझे भी मार खानी है क्या, या फिर से उसे पिटवाने लाया? हे हे मनु, नहीं रुक जा। हे एक मनु, हाँ? हे मनु, वो सारे किकबॉक्सर्स हैं, तुझे मार देंगे। मनु मनु वापस आ जा। हे मनु मेरी बात सुन। वो अकेला है, एक अकेले पर इतने लोग अटैक करेंगे, डर है।
बेवकूफ, इन पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी कैसे है? किस्मत चाहिए ऐसा कोच पाने के लिए। आनंद से कह देना अगर वो मेरे सामने कभी आए तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। ए, ये मेरे पापा हैं, जन्मदाता है मेरे। अगर इनको किसी ने छूने की भी कोशिश की तो सबको मार दूंगा मैं, समझे? ए मनु, ये सब तूने कैसे कर लिया? ए, तुझे किकबॉक्सिंग आती है क्या? ए, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मनु बेटा, आजा बेटा, मेरे घर में ही हीरा है और मैं बाहर ढूंढता फिर रहा था। मनु, गुरुजी। आजा बेटा। पिताजी, तू फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गया बेटा। मेरा बेटा, मेरा सोना। वेलकम। हाल ही में मैंने दो बेडरूम वाला बड़ा फ्लैट बना लिया है। मेरा भी यही। मेरे पास जितने गहने थे सब बिक गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लीजिए, इन पैसों से अपने फ्लैट के लिए फर्नीचर, टीवी सब कुछ खरीद लीजिएगा। अगर कम पड़े तो दो दिन में आकर फिर दे दूंगा। ये तुम्हें क्या हो गया? मैं जब आपसे पहली बार मिला था तो मैं आपकी तरह रिच कपड़े में था और आप मेरी तरह भिखारी के कपड़ों में। लेकिन आज देखो, मेरा नसीब। हाय। अरे वे पम्मी मैडम, मुझे तुम्हारी तरह एक्टिंग करने नहीं आती। वो तो मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया, इसीलिए मैं हर बार आकर तुम्हें 20,000 रुपए दे देता हूँ। पर आज तक मेरा कोई काम नहीं बना। अगर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। मेरे दिल की हालत समझकर मुझ पर दया करोगी। अगर तुम अपना कैरेक्टर चेंज करोगी तो इस गरीब पर बड़ा उपकार होगा। पम्मी मैडम, लाइट्स ऑफ करनी है, ऑन ही रखें। अगर ये टेक्निक मैं जानता तो मेरे खजाने में आज लाखों रुपए बचे होते। आजा, आ, आजा, आ, आ, आजा, आ, आ, आजा। कौन है ये डिस्टर्ब कर रहा है? गो अवे। आजा। सब इंस्पेक्टर कैंप पे कौड़ा। अब तो लग गए। तो इतना डर क्यों रहा है? सर, हम दोनों फैमिली हैं सर। ये झूठ है सर, 20,000 देकर ये मुझे यहाँ लेकर आया है। नहीं सर। मैडम बिजनेस कह रही हैं और साहब फैमिली कह रहे हैं। बगल में ही पुलिस स्टेशन है, वहीं चल के बात करते हैं। अब बताओ तुम, फैमिली है या बिजनेस? हम दोनों फैमिली बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, सामने आ। सामने आ नहीं तो बहुत मारूंगा। मेरे कान में होल करेगा क्या? जब मैं 6 महीने का था तभी मेरे डैडी ने मुझे तिरुपति ले जाके मेरे कान में होल कराया था। देख, दिख रहा है सर। ये जो कह रहा है सच कह रहा है? हाँ सर। सुन लिया ना सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं बड़ा जेंटलमैन हूँ सर। मुझसे शादी करेगा बोल रहा था, मैंने इन पर भरोसा करके सब कुछ। अरे तेरी जुबान को लकवा मार जाए। अरे सर, कंटिन्यू प्लीज। अब शादी नहीं कर सकता ऐसा कह रहा है सर। नहीं सर, नहीं सर, मान लिया सर। नहीं नहीं। क्या रे, तुझ पे चर्बी ज्यादा ही चढ़ गई है क्या? नहीं सर, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। सर ऐसा नहीं है सर। फिर कैसा है? हमारे घर वाले इस शादी के लिए। ओ, तुम्हारे घर वाले परमिशन नहीं देंगे तो तुम शादी नहीं करोगे? उस शेर को यहाँ ले। सर, सर बैठिए सर। तू जा। थैंक यू सर। ओके, निकल। बैठ यहीं चुपचाप। सर ये चेयर वहां रख। अगर तूने पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश भी की ना तो मैं तेरा सर काट के पागल कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? इधर आओ। अरे सर,
तुम में से एक मंगलसूत्र लेके आओ, दूसरा हार लेके आओ। आज तुझे मंगलसूत्र पहनाना ही होगा। बता मुझे, तू इससे शादी क्यों नहीं करेगा? सर मुझे देखिए, मैं इसके भाई जैसा दिखता हूँ, कैसे कर लूँ सर? नहीं सर, बिना जन्म कुंडली मिलाए कैसे शादी कर लूँ सर? सर सर नहीं सर नहीं सर, इसे साइड में लेके जाओ, फिलहाल इसका काम नहीं है। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। एसके काल, प्लीज कम हियर सर। उस लड़की को जब तुमने पहली बार देखा था, तब भी तुमने उसकी कुंडली मिलाई थी क्या? नहीं सर। गुड गुड। उसके बाद भी तुम हमेशा उसे 20,000 रुपए ले जाके दे रहे हो, तब भी नक्षत्र देखते हो क्या? नहीं सर। उस लड़की की इज्जत खराब करने से पहले दिन नक्षत्र सर, देखा मैंने था? नहीं किया सर। बस मेरे सवाल का जवाब दे, देखा था क्या? नहीं सर। तब तूने दिन और नक्षत्र नहीं देखा, तो अब क्यों देख रहा है तू? जाके मंगलसूत्र पहना। सर सर एक सच्चाई बताना चाहता हूँ सर, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ना एक बिजनेस है सर। झूठी नहीं है, मुझसे प्यार करने के बाद मुझे इधर उधर घुमाया और अब मेरे सामने तुम इस तरह की इतनी गिरी हुई बात कह रहे हो। मुझे तुम्हारे प्यार पे बहुत गर्व था। बस बहुत हो गया। ऐसे शब्द मेरे कान में दोबारा नहीं पड़ने चाहिए। इंस्पेक्टर कैंप पे गौड़ा जब तक इस धरती पर है, तब तक किसी औरत के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं होने भी नहीं दूंगा। क्यों गधे, तूने कभी पुलिस के डंडे को टेस्ट किया है क्या? टूटी की बिल्डिंग में बॉम्ब रखने के लिए टेररिस्ट की ट्रेनिंग लेके आया है क्या तू? इस तोपड़े से ऐसा लगता है। शट अप। लादेन और तेरे बीच कितने सालों से रिलेशन है? ओ, आप तो बहुत लंबे रूट पर जा रहे हैं। यस यस, वो बहुत खतरनाक है सर, यही बेटर है। चलो तुम जल्दी से माला उठाओ, इसको कितनी जल्दबाजी है, पहनाओ ना। ए, तेरी शादी हो रही है ना, तो हंसते हंसते करना। हैप्पी। हार पहना, पहना ना। ये ले। सर नहीं सर, एक बार और ठीक से सोच लीजिए। ठीक है दीजिए सर। रेडी स्माइल। हाँ अब निकलो। हाँ ओके। हाँ ये हमारे थाने की तरफ से तोहफा, ये लो। बस इतना ही सर? तो क्या अभी 50 एकड़ जमीन लिखा के दूं? जो भी मिला उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। दामाद जी। अच्छी। अरे पापी, कितने दिनों से तू इस केस को मेरे गले में बांधने का प्लान कर रहा था? केस मत बोल रे फूल, उसका फेस देख तू, वो मेरी बेटी है। लेकिन प्रिंट देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अपनी बेटी के लिए मैं लड़का ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते तू मुझे मिला हलाल होने को। बकरे की तरह सही बोला तू। जब मैंने तेरे बारे में इंक्वायरी किया तो पता चला कि तू बहुत अच्छा इंसान है। मैं बच गया। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता था, इसीलिए मैंने नाटक किया। तू कोई इंसान है क्या? क्या बात हो रही है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, सर ये धोखे से कराई गई शादी है सर। धोखे से शादी हुई है तो छोड़ेगा क्या? सर नहीं नहीं, हाथ पकड़ उसका, उस तरफ घूम जा, चल जा यहाँ से। चलता हूँ सर, ध्यान रखना उसका। क्या वापस पुलिस स्टेशन आएगा? थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। इतनी सी चीज के लिए कैसा थैंक्स ससुर जी। ससुर जी, आपकी एक और बेटी है ना जो ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत है। अभी तक मैं भी कुआरा हूँ। यहाँ क्या घूम रहा है तू? ये प्यार जो है ना, गेम खेलने वालों को डिस्टर्ब कर देता है। शादी करेगा ना? अगर शादी करनी होगी ना, तभी प्यार करना। तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, इससे ही शादी करूंगा मैं। इसके साथ ही जीऊंगा, इसके साथ ही मरूंगा। छोटे से टेंशन को पकड़ के किसी और के पीछे नहीं भागूंगा, समझे? घूम फिर कर वही पर आ जाता है। मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी किस्मत फूटी हुई है। Excuse me? Yes. अभी जो लेडी आई थी क्या लेकर गई? उल्टी हो रही है इसलिए दवा लेकर गई है सर। सिद्धू लेफ्ट एंड राइट। भाई का फोन है।
हेलो, तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं क्या? हाँ, अभी से जायदाद पर नजर है तेरी। जो कुछ भी देना है ना, वो तो तुझे दे कर ही रहूंगा। किसको चाहिए तुम्हारी जायदाद? तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं या नहीं? मेरे लिए तू ही सबसे बड़ी जायदाद है, उसके बाद ये बॉक्सिंग स्कूल। हेलो भाई। कट कर दिया है उसने। मैं जो बोलता वो नहीं सुनता, वो जो बोलता है वो मुझे सुनना पड़ता है। पी लो ना छोटी माँ, पी लो। आनंद ने इसे धोखा दिया है मनु, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई संबंध नहीं, ऐसा कहा। तुमने हमारे ऊपर उस दिन जो प्यार दिखाया, पर उस प्यार को अपनाया नहीं। जो गलती हुई है उसके बाद हम किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। जहर खाकर मर जाने का सोचा है ना? जब मेरे डैड ने मेरी माँ को छोड़ा था ना, उस वक्त मेरी माँ भी यही काम करती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरी माँ मर गई है छोटी माँ, अगर आप चली गई तो और कौन है मेरा? मनु, आनंद से मैं बात करूंगा, लेकिन पापा को मत बताना। आप दोनों यहीं पर रुको। तुमसे थोड़ी बात करनी है मुझे। तेरी बहन का मैटर है ना, अबॉर्शन कराने को बोल देना उसे। आई एम सॉरी आनंद, आई एम वेरी सॉरी। देख, अगर मुझसे गुस्सा है तो मेरी बहन पर गुस्सा मत निकाल। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज। मतलब उसके पेट में जो पल रहा है उसके लिए बलि का बकरा मैं बन जाऊं? बहते हुए पानी में लाखों लोग हाथ धुलते हैं, ये मेरा ही बच्चा है, कैसे कह सकता है तू? I'm sorry यार, मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। मेरी बहन को देख, वो बहुत अच्छी है, उसके साथ धोखा मत कर प्लीज। तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। प्लीज मेरी बहन के साथ शादी कर ले प्लीज। भैया, तू चुप हो जा। आनंद, तू अच्छा इंसान है, हम अच्छे खानदान से हैं। भैया छोड़ो उसे। ए पागल, तू अपना मुंह बंद करके रख, तेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे जैसा ना हो। आनंद आनंद, ये बात मेरे पिताजी को पता चल गई तो वो मर जाएंगे। ऐसी लड़की से शादी किया तो मेरा बाप मर जाएगा। ऐसा मत बोल आनंद, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मेरी बहन के साथ धोखा मत कर। मनु, वो बहुत अच्छी है यार, प्लीज मेरी बहन के साथ शादी कर। मनु उठ जा, इस कुत्ते के पैर क्यों पड़ रहा है? उसके पेट में जो बच्चा है मैं निकलवा दूंगी, लेकिन तुम इसके पैर मत पड़ो। पागल की तरह बात मत कर माँ, मैं जो बोल रहा हूँ। तुझे कसम है अगर मेरी बात नहीं सुनी, चल यहाँ से, चल। प्लीज आनंद मेरी बात सुन ले, तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मेरी बहन से शादी कर ले प्लीज, मेरी बात मान जा। उससे ज्यादा मैंने कितना उसके लिए किया मुझे पता है। अपना फैसला बदल ले। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, Do not get disturbed. No! I can't concentrate. Hey, Manu. Choti ma. कैसे बेटी को जन्म दिया तेरी माँ ने? अगर आज वो जिंदा होती तो मैं उनके पैर धोकर पूजा करती। अभी वो नहीं है तो उनकी फोटो की पूजा कर रही हूँ। तेरी मम्मी मर गई ऐसा मत सोचना, मैं हूँ तेरी मम्मी। मनु मनु। माँ, कल जो मैच होने वाला है उसमें मनु है, उसे धूल चटानी है तुम्हें। यस यस, जानते हैं आप,
वो अकेले ही आकर 20 लोगों को ऐसे वैसे मार कर गया है। इधर देखो, अभी तक मार गया नहीं है। ये जो आनंद है ना, उफ करके उसे उड़ा देगा। नसीब, उस दिन जब वो यहाँ पर आया था तब आप दोनों नहीं थे। अगर आप दोनों यहाँ होते तो आपको भी बहुत मारता। उसके बाद हम सब हाथ में कटोरा लेकर किसी मंदिर के सामने बैठकर भगवान के नाम पर दे दो बाबा ऐसा बोलकर भीख मांगते। शट अप। अगर उसे मारना है तो सिर्फ दिमाग से मारना होगा। कल फाइनल है, मैं फाइनल में जीतूं यही मेरी माँ की इच्छा थी। आज वो नहीं है, सिर्फ उसकी यादें हैं। कल सामने वाली रो में कुर्सी रखूंगा, उस कुर्सी पर मेरी माँ है ऐसा समझूंगा। बद्री, ऐसे मंकी कैप लगाकर क्यों खड़ा है? क्या है ये? मनो, पापा, पापा, कौन था? कौन? मनु, किसने चाकू मारा ये नहीं बताओगे? डॉक्टर ने कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जाकर आराम कर। मिस्टर मनु, डॉक्टर से हमने बात कर ली है, आपके पिताजी की देखभाल हम करेंगे, आप रेस्ट कीजिए। मैं अपने पापा के पास ही रहूंगा। ए, कल तुम्हारा मैच है, जागोगे तो कैसे होगा? दिमाग ठिकाने पर है? अपने पापा को ऐसे छोड़कर मैं रेस्ट ले सकता हूँ क्या? ए, मनु, नींद नहीं आएगी मुझे, क्या बकवास करे जा रहे हो? मेरी बात सुन, बोलना। मजाक कर रहे हो क्या? आपके ऊपर हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लाखों चाहिए तो कमा भी सकते हैं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो उनको वापस नहीं ला सकते। बच्चे तो फिर पैदा हो जाएंगे, अगर मैंने ये चांस गवा दिया तो फिर से नहीं मिलेगा। प्यार से बात कर रहा हूँ ऐसा मत समझ, केस करेंगे, कोर्ट में लेकर जाएंगे। नहीं जाऊंगा, जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। मनु, मिस्टर मोहन, मनु प्लीज उसे माफ कर दीजिए, उसे मैं भेज दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। मिस्टर मोहन प्लीज आप जाइए। चलिए सर। हे मनु, हे फूल, ये क्या कर रहा है तू? इसलिए तूने इतनी मेहनत की थी है? हे, लाइफ में ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप इम्पोर्टेंट हो, आपका प्यार इम्पोर्टेंट है। मनु, मनु, I am proud of you, my son. I am proud of you. Ladies and gentlemen, expectations for this final are very high. As you all know, this championship has seen a lot of quarrels and disputes. Now I would like to introduce the two finalists. Number one, Mr. Anand. Give him a big hand. Number two, Mr. Manu. Give him a very big hand too. बदमाश को छोड़ना मत तू।
पूरी तैयारी के साथ उतरा है अपना मनु। मनु, अगर तू हार गया तो मैं तेरी बहन से शादी करूंगा। अगर तू हार गया तो मैं तेरी बहन से शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। हे मनु, मिस्टर आनंद, स्टॉप, गो बैक। ए मनु, मनु क्या हो गया, तुझे क्या हुआ? शादी करेगा उसने कहा। उसने कहा इससे शादी करेगा, इसलिए वो हार रहा है क्या? मनु, मनु मनो, मनो, क्या कर रही है? मार उसे! हे मनो, उसकी बात मत सुन। गेट अप ऐसे। हे, मैं तेरी बहन से शादी नहीं करूंगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू मेरा? रुक जाइए। हे मनु, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। यू हैव टू विन दिस गेम। मनु, उठ जा बेटा, ये तेरे जीवन का लक्ष्य है, इसे ऐसे जाने मत दे।
वन टू थ्री मनु इज द विनर। मनु माय सन, मनु मनु आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, यू हैव अचीव माय ड्रीम, आई से माय ड्रीम। मम्मी आनंद, सॉरी आनंद, तुझे बहुत मार दिया, आई एम वेरी सॉरी आनंद। जो कुछ भी हुआ वो भूल जा, उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर यार, वो बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर ले। देख उधर, तू हार गया इसलिए वो तुझे छोड़कर गई, लेकिन मेरी बहन ऐसी नहीं है, मरते दम तक तेरे साथ रहेगी, तेरे सुख और दुख में साथ रहेगी। उसके साथ धोखा मत कर, उससे शादी कर ले। मनु थैंक यू आनंद, थैंक यू वेरी मच। हे मनु, मनु हे मनु, तेरे सामने में बहुत छोटा हो गया आज, तुझे देखता हूं तो तेरे पैर पकड़ने को मन करता है। पापा हे मनु, पापा मनु तू मेरा बेटा है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी आयशा, उस दिन जब तुम मुझे बुला रही थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। लेकिन क्यों? मुझे पापा का टेंशन था। अब तो खत्म हो गई ना, अब तो हम शादी करेंगे। अभी नहीं, फिर एक दो बच्चे हो जाने थे, फिर कर लेंगे। तुम भी ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब मैं तेरे गले में मंगलसूत्र बांधूं तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे हमारे सामने बैठे।